दोस्तों, ऐसे तो आप ये वीडियो बहुत पहले ही देख चुके होंगे, लेकिन मैं अभी आपको एक दिलचस्प बात बता देना चाहता हूँ कि जब भारत में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो जब कोई भी दूसरे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने देश में आते थे तो उन्हें ताजमहल घुमाया जाता था, उन्हें मस्जिद का दर्शन कराया जाता था तथा अलग अलग चीज़ों को ऐसे ही दिखाई जाती थी। और आज जब कहीं कभी कोई भी राजनेता आता है तो उन्हें ऐसे ऐसे जगहों पर ले जाया जाता है जो कि वास्तव में बहुत ही अद्भुत तथा बहुत ही अच्छा था। और अभी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री हैं और जापान के हैं, जिन्हें कि प्रधानमंत्री ने अपने देश में बुलाया तथा इन्हें ले जाया गया बुद्ध पार्क, दिल्ली का जो बुद्ध पार्क था उसमें, और जो हमारे जो संस्कृति थी उसके बारे में बताई गई। और यही हमारे नरेंद्र मोदी की कूटनीति है कि इन्हें गोलगप्पे खिला खिला करके बात मनवाते हैं। और पहले के आप समझे थे कि एक समय हुआ करता था जब भारत के सोना को गिरवी रखने तक की नौबत आ जाती थी, और यही प्रधानमंत्री है जो गीता धरा करके भारत में बुलेट ला लिए, और आज भी गुपचुप खिलाकर जरूर कुछ न कुछ लाने वाले हैं प्रधानमंत्री जापान से। अभी आप देख रहे हैं कि जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वो कितने इंटरेस्टिंग के साथ यहाँ के भारतीय फुचका खा रहे हैं, तथा जब इन्हें दो फुचके खिलाई जाती है तो और बोलते हैं कि और दीजिए, यानी कि इन्हें इतना इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि वास्तव में जो भारत में ऐसे छोटे छोटे डिशेज हैं जिनकी कि 1-2 रुपये कीमत होती है, वो भी कितने अच्छा हो सकता है जिससे कि ऐसे प्रधानमंत्री को इतना स्वादिष्ट लगे तथा इसमें उसका दिल मोह ले।